नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि दो संख्याएं 3:4 के रूप में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या कितनी है। ठीक है, तो इनका अनुपात हमें पहले दिया गया है। अनुपात क्या दिया है? 3:4। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि संख्याएं, पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया कि पहली संख्या कितनी है 3x और दूसरी संख्या कितनी है 4x। अब उसने कहा है कि इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। जिस संख्या हैं इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है? 84। अब जब हम इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे कितना आएगा? 3×4×x, क्योंकि x दोनों में क्या है? कॉमन है। और यहाँ कितना हो जाएगा? 84। x बराबर क्या हो जाएगा? 84/3×4। 4 से काटेंगे, 4×2=8, 4×1=4, 3 से काटेंगे, 30×7=21। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, अब x की वैल्यू निकली। उसने पूछा था तो बड़ी संख्या कितनी है। अब 3x होगी छोटी और 4x क्या होगी? बड़ी। तो बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या बराबर 4x, तो 4×7=28। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकल के कितनी आ गई? बड़ी संख्या निकल के आ गई 28, यानी कि 28। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।